अग्रवाल समाज के जनक महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पर अग्रवाल समाज द्वारा दुर्ग के अग्रसेन चौक पर भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं व पुरुष शामिल रहे। दुर्ग के अग्रसेन चौक पर बनारस की गंगा आरती की तर्ज पर अग्रसेन जी की आरती का आयोजन किया गया। इस मौके पर अग्रवाल समाज के जनक महाराजा अग्रसेन जी की जयंती अग्रवाल समाज प्रतिवर्ष बहुत ही धूमधाम एवं उत्साह से मनाता है। नमामि गंगे बताना चाहेंगे महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पूरे देश भर में मनाई जाती है, लेकिन इस बार दुर्ग के अग्रवाल समाज के द्वारा कुछ अनूठे और अलग अंदाज से और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस वर्ष अग्रसेन जयंती आगामी 3 अक्टूबर को है, जिसके तहत समाज द्वारा बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी कड़ी में इस वर्ष अग्रसेन जयंती का शुभारम्भ महाराजा अग्रसेन जी की महाआरती के साथ गंगा आरती की तर्ज पर अग्रसेन जी की आरती बनारस के पंडितों द्वारा की गयी। हम भगवान अग्रसेन से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे दुर्ग शहर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहे। इस भव्य आयोजन को लेकर समाज के मनोज अग्रवाल ने बताया कि इस तरह का यह अनूठा आयोजन संभवतः छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ है, जिसमें अग्रवाल समाज द्वारा आयोजित समारोह के अवसर पर बच्चे, युवा, वरिष्ठ सभी को ध्यान में रखकर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसका पूरे समाज में उल्लास का वातावरण है। इस दौरान महाआरती के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नंदन जैन कोषाध्यक्ष प्रदेश भारतीय जनता पार्टी एवं विशिष्ट अतिथि के तौर पर दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, कमल नारायण रुंगटा, महेंद्र सेरिया, अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का आभार जताया। इस संबंध में शामिल लोगों ने प्रतिक्रिया दी। आज ये हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है कि महाराजा अग्रसेन भगवान की जयंती हमारे दुर्ग अग्रसेन चौक में बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। आज पहली बार पूरे प्रदेश में गंगा आरती का आयोजन अग्रवाल समाज द्वारा किया गया है। मैं संपूर्ण कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और भगवान अग्रसेन से प्रार्थना करता हूं कि दुर्ग शहर में सुख शांति और समृद्धि का वातावरण हमेशा बना रहे। आज हम अग्रसेन जयंती महोत्सव का शुभारंभ इस अग्रसेन महाराजा अग्रसेन जी की महाआरती के साथ प्रारंभ कर रहे हैं। हमारी अग्रसेन जयंती 3 अक्टूबर को है, लेकिन हम एक हफ्ते से पूरा महाराज का महोत्सव मनाते हैं, इसलिए आज ये बनारस से आए हुए पंडितों के द्वारा इस भव्य महाआरती का आयोजन किया गया है, जिससे कि समाज का, शहर का, विश्व का कल्याण हो, यही हमारी भावना है कि सभी दुर्ग शहर में, पूरे विश्व में, पूरे भारत में सभी खुश रहे। धन्यवाद। मैं गौरीशंकर अग्रवाल, अध्यक्ष अग्रवाल समाज दुर्ग। की जयंती का कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है और ये दुर्ग अग्रवाल समाज ने एक अभिनव प्रयोग किया है। पहली बार छत्तीसगढ़ में ये महाआरती जो गंगा आरती की तर्ज पर बनारस के आए पंडितों के द्वारा संपन्न होने जा रहा है। मैं अग्रवाल समाज के अध्यक्ष गौरी शंकर जी अग्रवाल, कार्यक्रम प्रभारी संजय गर्ग एवं उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज के कार्यक्रम के हमारे जो प्रमुख अतिथि हैं नंदन जैन जी, वो कुछ ही क्षण में यहाँ पधार रहे हैं और जो आज यहाँ माहौल बना है, समाज के सभी वर्ग के लोग, हर समाज के लोग यहाँ पर आकर इस आरती में उपस्थित हुए हैं। आने वाले सालों में मुझे लगता है ये ट्रेन पूरे छत्तीसगढ़ में आएगा और आने वाले जो हमारा ये सप्ताह चलेगा, एक बहुत अच्छी जयंती हम मनाने जा रहे हैं। आज इस कार्यक्रम की पूरी पूरी प्रशंसा कर रहा है, क्योंकि गंगा आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इस गंगा आरती के लिए अयोध्या में पूरे विश्व के लोग आए हैं। उसी तर्ज पे आज हमने अयोध्या आरती के तर्ज पे ही इस कार्यक्रम का यहाँ शुभारंभ किया है। अग्रवाल समाज आपको धन्यवाद करता है। विजय अग्रवाल दुर्ग। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।